हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा जो 7 मई से रिलेटेड जो है करंट अफेयर का लेक्चर होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेन क्वेश्चंस ये यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एमके स्टालिन जो है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो है बने हैं। फिक्की महिला संगठन FLO के जो है प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया जो है फिक्की के एक प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इटली ने जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में विश्व का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का नाम क्या रखा गया है? मेफ्लावर 400 जो है इसका जो है नाम रखा गया है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है N440 के पहली बार किस राज्य में गया है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार गया है। अगला अगर जो बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 6 मई को जो है मनाया जाता है। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2021 जो है मार्क सिल्वी द्वारा जो है मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए गोविंद संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है ये योजना शुरू की है। टिकटॉक के नए CEO कौन बने हैं? टिकटॉक के नए CEO बने हैं साउजी चू जो हैं, टिकटॉक के नए CEO हैं। 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB का वार्षिक बैठक कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 54वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। अब हम यहाँ पे जो है कुछ उनके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो एमके स्टालिन हैं। एमके स्टालिन की अगर जो बात करें, फुल फॉर्म इनका जो नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जो है के पलानीस्वामी की ये क्या करेंगे? जगह लेंगे। तमिलनाडु की राजधानी की अगर जो बात करें तो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों 39 है, राज्यसभा सीटों की 18 है, विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेरिजाम झील, ऊटी झील, कोनाइकनाल झील जो है, चेम्बर बक्कम झील जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, चेम्बरम बक्कम झील जो एक प्रकार से, ये सारी झीलें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तमिलनाडु की पर्वत जो है पलानी पर्वत जो है, सेवराया पर्वत, जावदी पर्वत, पंचमलाई पर्वत जो है, शिवराई पर्वत मलाई, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन सभी से पूछे गए हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन कन्याकुमारी राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और अगर जो बात करें तो तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है एक प्रकार से चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचनापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब हवाई अड्डे वहीं के हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा और तिरुचनापल्ली हवाई अड्डा, ये सारे सारे अड्डे जो हैं हवाई अड्डे तमिलनाडु के ही हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए महिला संगठन FLO की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये उज्ज्वला सिंघानिया जो है फिक्की की नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। अगर जो हम बात करें, उज्ज्वला सिंघानिया महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग और भागीदारी एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में, वातावरण का निर्माण करने में मदद, महिला सशक्तिकरण पर जो है ध्यान देंगे। फिक्की की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है फेडरेशन एंड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इसका फुल फॉर्म है, और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ इसको जो है हिंदी में बोलते हैं, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अध्यक्ष उदय शंकर हैं, संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो है इम्पोर्ट ये हैं। और यहाँ पे अगर जो बात करें तो हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की जो है बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इटली ने G20 देश पर्यटन देश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इटली ने जो है G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृत पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में वर्चुअली जो है भाग लिया है। 2021 में इस बैठक का 16वां संस्करण आयोजित किया गया और उद्देश्य इसका, इस बैठक का पर्यटन विकास को रोजगार संरक्षण देने
और कोरोना वायरस को प्रभावित पर्यटन को व्यवसाय पर जो है चर्चा की गई है। G20 की अगर जो बात करें, ग्रुप ऑफ 20 इसको बोला जाता है, 20 देशों का समूह है G20। 19 देश और यूरोपीय संघ का जो है एक प्रकार से ये समूह है। और स्थापना की अगर जो बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। G20 का भारत जो है प्रकार से हिस्सा है, भारत जो है G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 में हुआ था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता के कौन सा देश करेगा, जो इसका जो है मतलब 17वें G20 सम्मेलन कहाँ पे होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। 18वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वो भारत जो है 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है, जहाज का नाम क्या रखा गया है। मेफ्लावर 400 जो इसका जहाज का नाम रखा गया है। प्रोमेयर IBM के साथ जो है मिलकर मेफ्लावर 400 का निर्माण किया गया है। प्रोमेयर एक समुद्री संस्थान संगठन है, जबकि IBM मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और जहाज मानव रहित जहाज है, इसकी लंबाई 15 मीटर है, वजन 9 टन है। यह जहाज जो है समुद्री प्रदूषण के अध्ययन करने तथा पानी में प्लास्टिक विश्लेषण करने और समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में जो है सहायक है। दुनिया का पहला जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन जो है रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है रूस की थी। और बैंक नोट जो है जारी करने वाला पहला देश जो है वो स्वीडन का। रोबोट जो है सोफिया को नागरिकता देने वाला पहला देश बन गया है सऊदी अरब। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है N4440 के पहली बार जो है किस देश में पाया गया है, तो ये किस राज्य में पाया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में पाया गया। किस राज्य में पहली बार पाया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में पाया गया। N440 स्ट्रेन जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पाया गया, इसीलिए इस स्ट्रेन को जो है NP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। NP स्ट्रेन जो है बोला जा रहा है। और अगर जो हम बात करें, यह स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस में मौजूद 15 गुना से ज्यादा एक प्रकार से संक्रामक है। इस स्ट्रेन को CCMB सेंटर फॉर द सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी द्वारा जो है खोजा गया है। आंध्र प्रदेश की अगर जो बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी जो है अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल इसकी राजधानी जो है अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं विश्वभूषण जो क्या हैं हरिचंदन जो हैं यहाँ के आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अनूप कुमार गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश की अगर जो बात करें तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील जो है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन बांध सागर नदी पर स्थित यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, आंध्र प्रदेश की सबसे समुद्री लंबी तटरेखा 974 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर जो है चित्तौर में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला में जो है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है कुचिपुड़ी नृत्य है, घंटा मर्दाना नृत्य है, भामा कल्पन नृत्य है, भीमसा नृत्य है, कोटलटम नृत्य है और बिलासी नाट्यम जो है वो नृत्य है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डों की बात करें, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस ये जो है 6 मई को जो है मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करना, हद से ज्यादा वजन और ज्यादा डायबिटीज डाइटिंग
से होने वाले नुकसान की ओर भी लोगों को ध्यान खींचना है इस दिवस का जो है उद्देश्य है। इंटरनेशनल लोनडाइट डे जो है यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट वे यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट जो है इसकी थीम थी। 10 महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम थी कॉम्प्लेक्स पेट्स डाइवर्स फ्यूचर। अगला अगर जो बात करें विश्व आवाज दिवस की तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम थी वन वर्ड मैनी वॉइस। विश्व होमोपोलिया दिवस की अगर जो बात करें तो 17 अप्रैल को जो है विश्व होमोपोलिया दिवस मनाया जाता है। अगला थीम की बात करें अडॉप्टिंग टू चेंज द वॉइस की थीम थी। विश्व लीवर दिवस की बात करें 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन चाइना चीन भाषा चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक नवाचार दिवस की अगर जो बात करें तो वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम री स्टोर अवर अर्थ चॉइस की थीम थी। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा डे 23 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं तो ये जो है मार्क सेल्फी जो है विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। स्नूकर खेल की बात करें या क्यों एक क्यों खेल है कि क्यों स्पोर्ट्स के जो है बिलियर्ड्स खेल भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के खेल हैं जो क्यों स्टेक के साथ जो है खेले जाते हैं। चार या मतलब चार पॉकेट या छह पॉकेट के साथ एक मेज पर जो है खेला जाता है। या स्नूकर की गेंदों और क्यों का उपयोग करके जो है क्या किया जाता है खेला जाता है। स्नूकर गेम्स का उद्देश्य क्या है। क्यों के साथ जो है सफेद क्यों बाल को हिट करना होता है ताकि अन्य गेंदों पे लगे मतलब अन्य गेंदों पर लगे और बदले में पॉकेट में जो क्या कर जाए गिर जाए। आपने देखा होगा फिल्मों में कभी स्नूकर के बारे में देखा होगा ऐसे बना होता है इसमें जो है गेंदे लगी होती हैं छिद्र होते हैं तो इस पे जो है मारना होता है इधर से इधर ये जाकर के कोने में चली जाए प्रकार से कैरम की तरह ही होता है। तो अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी मार्क सेल्वी ने चौथी बार जो है विश्व चैंपियनशिप जो है जीती थी या यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले हैं। किस राज्य की सरकार ने जो है पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है शुरू की है। उड़ीसा राज्य की सरकार ने जो इसकी शुरू की है। उद्देश्य क्या था उद्देश्य इसका था यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई। यह योजना जो है राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2,00,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। अगले इसके बारे में बात करें यह योजना पत्रकारों का उनके कर्तव्यों को पालन करते बीमारियों और चोटों को भी कवर करेगी। इस योजना का नाम गोपबंधु दास ने के नाम पर रखा गया। वह उड़ीसा के लोकप्रिय सुधारक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार एवं राजनीतिक कार्यकर्ता निबंधकार और कवि थे। उड़ीसा की बात करें गोपाल गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधर है। उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या बात करें 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा का राजकीय पशु जो है सांबर है। राजकीय पक्षी जो है इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक है। उड़ीसा के चार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है यहाँ के चार पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा की प्रमुख झील है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैंग्विज झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा महानदी पर जो है बनाया गया। अब्दुल कलाम विलर द्वीप कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी यहाँ पे मतलब उड़ीसा में ही पाया जाता है। थिरुबली हवाई अड्डा जो है रायगढ़ में पाया जाता है। ये दोनों रायगढ़ में पाए जाते हैं। और उड़ीसा मंदिर जो है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में है। कोणार्क मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है। उड़ीसा के अगर जो लोक नृत्यों की बात करें तो उड़ीसा की उड़ीसी और सवारी जो है यहाँ के दो लोक नृत्य हैं। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम की बात करें कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बारावती स्टेडियम जो है कटक में है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में है। टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं। साउजी चू जो है टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। टिकटॉक की अगर जो बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं 5 मतलब
सीईओ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला हैं। टिकटॉक की अगर जो बात करें या पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे चीन देश की जो है ये कंपनी है टिकटॉक की, पेरेंट कंपनी जो है बाइट डांस है, मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो है सीईओ सत्य नडेला हैं। और जूम ऐप की बात करें तो एरिक युआन जो है इसके सीईओ हैं। गूगल के अगर जो सुंदर पिचाई और फेसबुक के जो है सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और यूट्यूब के सीईओ की बात करें सुजैन वोत्स्की जो हैं वहाँ के सीईओ हैं। 2021 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की जो वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है, तो 54वां संस्करण जो है इसका आयोजित किया गया है। इस बैठक में एशियाई विकास बैंक के 68 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई हैं। इस बैठक में लचीले भविष्य के लिए जो है सहयोग की बात की गई है। इस बैठक में सभी देशों के आपसी सहयोग और देश की जो है आर्थिक विकास और कोरोना महामारी में आई आर्थिक तंगी में एशियाई विकास बैंकों के प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर भी चर्चा की गई है। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक इसको बोलते हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष की बात करें मात्सुगु असाकावा जो इसके अध्यक्ष हैं। तो अब कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस संविधान से जो है प्रेरित है, जर्मनी से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र और यहाँ पे भारत के जो है संघात्मक व्यवस्था किस राज्य के संविधान से प्रेरित है, कर्नाटक के संविधान से प्रेरित। संविधान में निहित जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से जो एक प्रकार से ग्रहण की गई है, जापान से ग्रहण की गई है। निर्विरोध रूप से जो है चुने गए प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध ये चुने गए थे। और भारत के राष्ट्रपतियों में किसका जो संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो वरा वेंकट गिरी का जो है आंदोलन ट्रेड यूनियन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी गई है, वो एपीजे अब्दुल कलाम थे जो वैज्ञानिक थे जिनको मिसाइल मैन की भी संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में किस राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और वित्त आयोग के जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की जो है वो नियुक्ति करता है। तो दोस्तों लेक्चर ये यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।